Why? This is basically a figure. और यहाँ पे values दी हुई हैं. ये triangle A है. This is B and this is C. और यहाँ पे एक point D है. इस पूरे का length आपको दिया हुआ है A, ठीक है? और इस पूरे का length आपको दिया हुआ है B. And you have been given this angle as theta. What else have you been given? AD and DB are equal. So basically इस triangle में ये दोनों equal हैं. ये साइड ए बी हो गया आपका, ठीक है? और ये पूरा लेंथ ए बी इज इक्वल टू ए. इज इट क्लियर? ओके. व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट? बी इज राइट एंगल. ये राइट एंगल जो है यहां पे होगा, ठीक है? डिटरमिन साइन थीटा, ठीक है? देन यू हैव टू डिटरमिन कॉस थीटा, ठीक है? देन यू हैव टू डिटरमिन टैन थीटा. ओके, व्हाट एल्स? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. So although we know that by identity this is always going to be one, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है? So how do we know कैसा क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, ये है A, तो बताइए DB वाला जो साइड होगा वो कितना हो जाएगा? DB will be A by 2 and AD will also be A by 2. भाई इस साइड को आप दो में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? So AD will be equal to DB will be equal to A by 2. Clear on this? ठीक है? ओके. अभी बताइए यहाँ पे ये कितना है B है, ये कितना है A है, तो बताइए BC कितना हो जाएगा? BC will be equal to AC square minus AB square. Simple Pythagoras theorem, ठीक है? ये वाले triangle को अगर हम consider करते हैं तो AC BC square will be equal to hypotenuse square, मतलब minus this one. So this will be B square minus A square. तो ये हो गया आपका BC square. तो BC कितना हो जाएगा भाई? Under root B square minus A square. So this becomes under root B square minus A square. ठीक है? अभी आपको find करना है theta, rather sine theta. तो sine theta आप कौन से triangle में ले लेंगे? देखिए BCD में, in triangle BCD साइन थीटा कितना हो जाएगा? सिर्फ इस ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए. ये थीटा, इसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस, ये आपका है हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो हमको हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है, तो हमको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? सो इन ट्राइंगल बी सी डी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. करेक्ट, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम. ये आपका हाइपोटेन्यूज है. दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, व्हिच मींस व्हाट? बीडी स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए बाई टू का स्क्वायर, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर. क्लियर? तो ए बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ये कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट चला जाएगा. दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई फोर है और ये है माइनस ए स्क्वायर. कितना आ जाएगा इनका? सिंपल मैथमेटिक्स, ए स्क्वायर से अगर ए स्क्वायर बाई फोर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? थ्री ए स्क्वायर बाई फोर. अभी ये बड़ा है तो इसका साइन आ जाएगा, तो ये हो गया भाई बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बाई फोर. ये कितना आया आपका? सी डी स्क्वायर. तो आपका सी डी कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बाई फोर अपॉन अंडर रूट, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा भाई? 4b स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर अपॉन 4. सो दिस इज गोइंग टू बी 4b स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर. इसका तो अंडर रूट निकल सकता है ना, इसका तुमको मालूम नहीं, बट वी कैन राइट दिस एज 2. तो ये हो गया आपका cd. अभी बताइए sin थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा, थीटा इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, which means perpendicular कितना है? BD and upon hypotenuse that is CD. So this is going to be how much? BD is A by 2 and CD we have just calculated as this much. So upon 4B square minus 3A square upon 2. ये 2 ऊपर चला जाएगा, which will give you what? 2 into A by 2 upon 4B square माइनस थ्री ए स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हो गए, यू गेट ए बाई फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर.
So this is going to be your sine theta. ठीक है? Okay. If we have to calculate, what is the value of cos theta? अगर cos theta की value हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? So cos theta here is going to be base upon hypotenuse. That's going to be BC upon CD. Base कितना है? B square minus A square under root upon CD. CD कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 B square minus 3 A square upon 2. तो ये ऊपर चला गया. 2 B square minus A square upon under root 4 B square minus 3 A square. ये हो गया आपका cos theta. ठीक है? Sin theta की value आ गई. Cos theta की value आ गई. ठीक है? What do we have to calculate? Tan theta. Tan theta को आप दो तरीके से calculate कर सकते हैं. या तो पूरा ऐसे निकाले, अगर tan theta हम ऐसे निकालते हैं, so this will be perpendicular upon base, which will be BD upon BC. That's going to be A by 2 upon under root B square minus A square. ठीक है? और अगर हम sin theta by cos theta करेंगे, तो भी हमको वही आंसर आएगा. ठीक है? So this is tan theta. Okay, what do we have here? Lastly, sin square theta plus cos square theta. देखो यहाँ पे cos theta की value कितनी आई है और sin theta की value कितनी आई है. तो अगर हमको sin square theta करना है plus cos square theta करना है, so what do we have? Sin square theta is 2. Sorry, अपना sin theta है a square a upon 4 b square minus 3 a square. इसका आपका करना है स्क्वायर. और cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 b स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर. ठीक है भाई? इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? a स्क्वायर अपॉन 4 b स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर. ठीक है? इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2. ये कितना हो जाएगा? ये 2 का कितना हो जाएगा? 4. और इसका कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. इसका अंडर रूट चला जाएगा. सिमिलरली इसका भी अंडर रूट चला जाएगा. सो दिस विल बी अगेन 4 b स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर. और आप देखते हैं यहाँ पे दोनों सेम डिनोमिनेटर के हैं, तो सेम डिनोमिनेटर होगा तो एलसीएम भी सेम ही हो जाएगा. तो ये 4 b स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर हो गया. हम इसको ऐड करेंगे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 b स्क्वायर. और ये 4 into a स्क्वायर मतलब माइनस 4 a स्क्वायर. बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर कितना होगा? माइनस 3 a स्क्वायर. सो 4 b स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर अपॉन 4 b स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर कितना होता है? ये दिस विल बिकम ऑब्वियसली 1. तो वैसे भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमको मालूम है बाय आइडेंटिटी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. और यहां पे हमने इसको प्रूव करके प्रूव कर दिया कि इट इज इक्वल टू 1. ठीक है? समझ में आ रहा है ये? इज दिस क्लियर?